नमस्कार दोस्तों, एस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। कुल मूल्य है 46 रुपया। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो पर भी कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, एक ऊर्जा मिले, मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले के जो भी क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1 है, 2 है, 3 है, जो भी सवाल हैं इससे पहले के वीडियो में प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य का मूल्य, मैंने एक पेंसिल कितने रुपए मिल रहा है, 100 रुपये में, तो 5 पेंसिल कितना मिलेगा। मैंने एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, होगा। इसी तरह से माना कि एक कलम का मूल्य ₹y है, माना एक कलम का मूल्य, कलम कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है, ₹y है, तो 7 कलमों का मूल्य, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, होगा ना। अब देखो यहाँ दिया है कि कुल मूल्य कितना है, तो 50 रुपये दिया है ना, यहाँ पे देखिए ना, 7 कलमों का मतलब 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, तो कुल अब जोड़ दीजिए, तो टोटल, तो प्रश्नानुसार यहाँ लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार 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 कुल मूल्य कितना होगा, तो 50 रुपये यानी कि 5x प्लस में 7y बराबर 50 रुपया, समीकरण 1 बना दीजिए। ठीक है, अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल, वही 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, और 5 कलमों का मूल्य कितना है, तो मूल्य है 46 रुपया। टोटल मूल्य कितना है, 46 रुपया। तो मान लीजिए 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो अब एक पेंसिल का मूल्य हम लोगों ने x माना है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 7x। इसी तरह से 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y। अब टोटल कितना हो जाएगा, तो 46। ठीक है, टोटल हो गया 46। तो ये जो है आपका समीकरण हो गया 2, समीकरण 2 हो गया। अब चूंकि इसको हम लोगों को ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है, तो ग्राफिक विधि से इसको हल करना है, तो अब हम लोग जो है टेबल बना लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से टेबल बनाते हैं, तो समीकरण नंबर 1 से टेबल अगर हम लोग बनाते हैं, तो समीकरण नंबर 1 से जो है टेबल बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण नंबर 1 से
5x+7y=50, तो 7y=50 -5x होगा ना, 50 - 5x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जो है वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 अब माइनस में 5x अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब इससे हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाते हैं, कम से कम 3 को बिंदु तो चाहिए ही चाहिए। तो 3 बिंदु जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला एक्स है, एक वाई है, तो एक्स का मान यहाँ हम लोग चेंज करेंगे तो वाई का मान ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान अगर हम लोग 10 × 50 है 10 ले लेते हैं, एक्स का मान अगर हम लोग 10 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई का मान 0। देखिए ना, यहाँ एक्स का मान 10 ले लेते हैं, नहीं एक्स का मान 10 लेने पर वाई का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। 10 × 50 होगा, 50 में से 50 जा 0 है, 0 में जो 7 से भाग देंगे तो 0। ठीक है, तो वाई का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर कुछ ऐसा लेते हैं कि आराम से कट जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसा लेते हैं तो कटने के लिए हैं, तो जो है अगर इसमें जो है 4 ले लिया, 4 × 5 = 20, 20 कटेगा, नहीं कटेगा, घटेगा तो नहीं कटेगा, तो यानी कि माइनस में 4 ले लिया जाए, तो माइनस में 4 लेंगे, माइनस में 4, तो माइनस में 4 लेंगे तो आराम से प्लस हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, तो 70 से 7 से भाग देंगे आराम से 10 आ जाएगा प्लस में है। तो यहाँ लेते हैं हम लोग माइनस में 4, मैंने यहाँ हल कर दे रहे हैं, तो 50 अब माइनस में 5 गुणे -4 ले लेते हैं, एक्स का मान बटे में 7। ठीक है, तो बराबर क्या हो सकता है, बराबर अब मान लीजिए 50, आ देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, 70 × 7 यहाँ पर 70 10 हो जाएगा, तो वाई का मान कितना हो गया 10। चाहे तो हम लोग दो ही बिंदु से जो है रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो दो ही बिंदु प्राप्त करते हैं, दो ही बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो दो ही बिंदु प्राप्त करते हैं, ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, दो ही बिंदु से आराम से रेखा बन जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 से, अब समीकरण नंबर 2 क्या है, तो 7x+5y = 46 है ना, तो लिख सकते हैं 5y = 46 - 7x लिख सकते हैं, या वाई बराबर लिख सकते हैं 46 - 7x लिख सकते हैं, अब बट्टे में जो क्या हो जाएगा 5 है हो जाएगा। टेबल तैयार कर लेते हैं अब इस समीकरण से। तो एक्स वाई, अब देखिए एक्स का कुछ ऐसा सुटेबल मान लीजिए यहाँ पे, ताकि जो है इससे आराम से भाग चला जाए। तो एक्स के लिए जो क्या मान ले लिया जाए, 8 ले लिया जाए, तो 8 × 7 = 56, 46 में से 56 कटेगा तो कितना होगा, 46 में से अगर 56 घटा दिया जाए दस हो जाएगा ना, तो 10 में 5 का भाग दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब माइनस में आएगा ना, मैंने अब यहाँ जो हम लोग एक्स का मान कितना ले लें, 8 ले लेते हैं, तो एक्स का मान 8 लेते हैं, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, मान लीजिए 46 7 7/56 56 हो जाएगा, 46 में से 56 घटेगा तो 10, वो भी माइनस में, तो 10 हो जाएगा माइनस में, वाई का मान कितना हो जाएगा माइनस में 10। एक बिंदु और प्राप्त कर लेते हैं, तो अगर यहाँ माइनस में 2 ले लिया जाए, माइनस में 2, तो यहाँ जो है आराम से 7 × 7 = 14 प्लस में हो जाएगा 14, 14 × 46 कितना होगा, 14 × 46 छ, 14 46 6 × 10 = 80,
4 4 10 के शून्य से लेगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा बटे 5 है, तो 5 × 60 तो इसका मान हो जाएगा 12। ठीक है, तो वाई का मान निकल गया 12। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ से हम लोग ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, ग्राफ खींचेंगे, इसमें भी तो कोई बिंदु मिल नहीं रहा है। कोई बिंदु मिला इसमें? कोई ना कोई तो बिंदु मिलना चाहिए भाई। यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ देखिए 7 8 56, 56 में से 46 घटेगा तो माइनस में 10 होगा। अब माइनस में 2 से 5 से भाग देंगे तो माइनस में 2 होगा ना, तो माइनस में 2 होगा यहाँ पे, माइनस में 2। ठीक है, भाग नहीं दिए हमने तो अब भाग दे देंगे ना 5 से, मतलब -10 आया तो 10 -10 में 5 से भाग देंगे ना बट्टे में, तो 5 × 2 = 10, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इससे जो है क्या करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना लेते हैं, तो एक ग्राफ बनाते हैं। तो हम लोग को पहला समीकरण से बिंदु क्या प्राप्त हुआ है, 10 0। तो x अक्ष पे 10 चलेंगे, मैंने 10 0 ना, अगर मान लीजिए ए को लेते हैं पहला समीकरण से, पहले समीकरण से तो ए बिंदु लेते हैं तो 10 0। अब बी बिंदु जो है कितना है, तो -4 और 10 यही ना है, तो -4 और 10 ले लेते हैं। ठीक है, -4 और 10। ठीक है, पहले टेबल से -4 और 10 हो जाएगा। तो अब 10 और 0, तो x अक्ष पे 10 चलेंगे। तो x अक्ष पे 10 चलते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 0, y का मान 0 है, तो यानी कि यह बिंदु 10 जो है यहीं पे प्राप्त होगा। 10 0, 10 और 0 बिंदु कहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यहीं पे इसी को ये बता देंगे है, ए बिंदु हो गया। और दूसरा है -4 और 10, तो -4 का मतलब x पे -4 चलना है ना, तो इधर चलेंगे। ठीक है, तो -4 यहाँ पे होगा, 8 10 प्लस में चलना है तो प्लस में वाई पर 10 चलना है, तो प्लस में वाई पर 10 इधर होगा तो 10 जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, 10 देखिए वाई में, मैंने यहाँ देखिए ना माइनस में 4 तो x माइनस में 4 होगा, प्लस में 10 तो वाई प्लस में 10 होगा। इसको कहते हैं x एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो हम लोगों को जो है x एक्सिस में -4 चलना है, तो x एक्सिस में -4 ही हो गया। अब इसको जो है क्या करेंगे, खींच लेंगे, -4 से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, -4 से एक सीधी लाइन खींचिए ना, आंशिक रूप से हल्का लाइन खींचिएगा, और 10 प्लस में 10 वाई पे, प्लस में 10 वाई पे लेना है, प्लस में 10 वाई पे लेना है। ठीक है, तो प्लस में 10 वाई पे हो गया। अब ये जहाँ काटेगा वहाँ पे जो है मिला देंगे तो एक बिंदु प्राप्त हो गया, तो एक बिंदु ये हो गया बी, इसको बी कह दीजिए। तो बी क्या है, तो माइनस में 4 और प्लस में 10 है ना, माइनस में 4 और प्लस में 10। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, ए और बी को, तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी ना, इसको मिला दीजिए। ठीक है, मिल गया ये है, इसको हम लोग जो है कौन सा समीकरण कह सकते हैं, तो इसको जो है पहला समीकरण से इसको खींचे है ना, तो 5x प्लस में 7y बराबर 50 समीकरण का नाम दे सकते हैं, इस रेखा का नाम। ठीक है, अब दूसरा है, दूसरा
तो दूसरा देखिए, दूसरे समीकरण से हम लोग को बिंदु मिला है 8, माइनस में 2, माइनस में 2 12, यह न मिला है। तो 8 माइनस में 2, तो x पे जो है 8 चलेंगे, प्लस में तो यहाँ पे हो गया माइनस में 2, तो माइनस में 2 का मतलब y पे माइनस 2, तो यहाँ पे है y पे माइनस 2, यहाँ पे है y पे माइनस 2, यहाँ पे है माइनस 2 y पे, यहाँ पे है। अब प्लस में 8, सॉरी x एक्सिस पे देखेंगे ना, तो x एक्सिस पे 8 देखेंगे, तो प्लस में x एक्सिस पे 8 प्लस में, तो यहाँ पे आएगा। अब y एक्सिस पे माइनस 2 देखेंगे, तो माइनस 2 इधर आएगा ना y एक्स पे, तो यहाँ होगा, ठीक है, माइनस 2 y एक्स पे। अब इसको हम लोग मिला देंगे 8 माइनस 2, हाँ 8 माइनस 2, तो इसको एक सीधा सीधा मिला लेंगे एक लाइन से, हाँ माइनस 2 इसको मिला देते हैं, इसको कहाँ प्राप्त होगा ये बिंदु, लगभग यहाँ पे है, तो ये बिंदु एक प्राप्त हो गया यहाँ पे, इसको ए कह दीजिए, तो ए बिंदु कितना हो गया 8 और माइनस में 2, ठीक है, इसको लिख देंगे, माना एक्स अक्ष पे 8 है धन में, तो 8 पहले लिखेंगे, अब माइनस 2 वाई में है, तो माइनस 2 बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा बिंदु है माइनस 2 और 12, तो माइनस 2 एक्स अक्ष पे माइनस 2, वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे सॉरी एक्स एक्सिस पे माइनस 2, तो एक्स एक्सिस से ही है ना, ठीक है, तो एक्स एक्स पे माइनस 2 ये हो जाएगा। अब वाई एक्स पे माइनस, वाई एक्स पे 12 देखना है, वाई एक्स पे 12 देखना है, माइनस नहीं है, प्लस में है, प्लस में 12, तो वाई एक्स पे, तो वाई एक्स पे यही ना है वाई एक्स, इसमें प्लस में 12 देखना है, ठीक है, तो प्लस में 12 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे यही हाफ सेंटीमीटर है, मैंने आधा सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आएगा 12, ठीक है, प्लस में 12, तो प्लस में 12 ये हो गया, अब माइनस में 2 ये हो गया। अब इसको मिला लीजिए, प्लस माइनस में 2, तो माइनस में 2 एक सख्ती से मिला ये, और प्लस में 2 यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो गया, ठीक है, तो बी बिंदु आपका यहाँ हो गया बी बिंदु, तो बी बिंदु क्या कहेंगे इसको, बी बिंदु माइनस 2 और 12, इसको बी बिंदु कहेंगे, माइनस में 2 और ये है 12, ठीक है, तो माइनस 2 12। अब इन दोनों को बिंदुओं को मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, और जहाँ इसको काटेगा, जहाँ काटेगा वही जो है क्या होगा, इसका हल होगा, तो देखिए ना कहाँ से काट रहा है, तो लगभग लगभग यही ना बिंदु काट रहा है, तो लगभग लगभग जो है कितने पे काटा, इधर से मिलाने पर जो है कहाँ पता चल रहा है, 3 पे आ रहा है इधर से, हैं, और इधर से जो है कहाँ जा रहा है, 5 पे, इधर से 5 पे जा रहा है, हैं, 5 पे जा रहा है, बिल्कुल सीधा है, सीधा करेंगे तो 5 पे आएगा लगभग में, ठीक है, लगभग 5 पे आ रहा है, ग्राफ एकदम स्केल से बनाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब एक्स अक्ष पे 3 आया, तो एक्स अक्ष, एक्स कित का मान माने हम लोग, पेंसिल का माने है ना, तो एक्स का मान 3 आने का मतलब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया आ रहा है, ठीक है, तो एक्स का मान 3 आने का मतलब एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा, और तो इसको जो है कौन सा रेखा का नाम दीजिएगा, ये तो ये रेखा कौन सा होगा, किस समीकरण से, दूसरा समीकरण से प्राप्त किए इस रेखा को, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह जो है 7x प्लस में 5y बराबर 46 वाला समीकरण है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग को प्रच्छेदन बिंदु क्या प्राप्त हुआ है, 5 और 3,
पांच और तीन का मतलब देखिए, इसको प्रच्छेदन बिंदु क्या नाम दे सकते हैं, क्यू नाम दे दीजिए। तो क्यू बिंदु जो है क्या प्राप्त हुआ, तीन और पाँच, मतलब एक्स तीन है और वाई पाँच है, तो तीन पाँच का मतलब पेंसिल का मूल्य हो जाएगा तीन और कलम का मूल्य हो जाएगा पाँच। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा कि अतः आलेख आलेख दोनों रेखाएं, इसको चाहे तो आप लोग रेखा का नाम पी भी दे सकते हैं और इसको क्यू दे दीजिए, तो पी तथा क्यू, पी तथा क्यू एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, क्यू पे एक दूसरे को क्यू पर काटती हैं, चाहे प्रच्छेदित करती हैं, काटती हैं, ठीक है, काटती हैं। अतः कटान बिंदु, अतः कटान बिंदु, अतः कटान बिंदु यानी कि क्यू तीन पाँच ही क्या होगा, इसका हल होगा, इसका हल होगा, ठीक है। अतः तीन पाँच क्या होगा, इसका हल होगा, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने मान रखा है कि x बराबर क्या हो जाएगा तीन, भाई पहले x ही रहता है तो x बराबर तीन हो जाएगा, अब y बराबर कितना हो जाएगा पाँच, जब इसका हल होगा तो x बराबर तीन और y बराबर पाँच हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए अतः मैंने इसका हल है, इसलिए यहाँ पे इसलिए कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए, अतः अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 5 रुपया हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि अन्य दोस्तों को भी लाभ मिल सके। इसका पार्ट 2 कल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक कमेंट का भी सवाल बताना है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।